मैं सुरेश जैन, मारवाड़ी युवा मंच सिकंदराबाद शाखा अध्यक्ष। मारवाड़ी युवा मंच का जन्म 1977 में हुआ और इसका प्रथम शाखा का गठन 20 जनवरी 1985 को गुवाहाटी में हुआ। आज पूरे भारतवर्ष में लगभग 624 ब्रांचें सामाजिक सेवाएं प्रदान कर रही है और इसकी कुछ अंतर्राष्ट्रीय शाखाएं भी हैं जो सामाजिक सेवाएं दे रही हैं, जिसमें प्रमुख रूप से बैंकॉक, दुबई और नेपाल हैं। और अभी हाल ही में कुछ दिन, 2 दिन पूर्व बैंकॉक की यात्रा पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने मारवाड़ी युवा मंच की शाखा के साथ मुलाकात की। मारवाड़ी युवा मंच कई सारे प्रकल्पों पर कार्य करता है, जिसमें प्रमुख रूप से जो प्रकल्प हैं वो इस प्रकार हैं: रक्तदान, अमृत धारा, कृत्रिम अंग प्रत्यारोपण, कैंसर जांच एवं जागरूकता, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, आनंद सबके लिए, जिसके तहत सभी जरूरतमंद लोगों को खुशियां देने का कार्य किया जाता है, एम्पावरमेंट ऑफ गर्ल्स, आई डोनेशन, पढ़ेगा इंडिया तो बढ़ेगा इंडिया, ऐसे कई प्रोजेक्ट पर मारवाड़ी युवा मंच आज कार्य कर रहा है, जिससे कई समाज के लोगों को सामाजिक जरूरतों को पूरा कर रहा है। आइए हम सब बात करते हैं इसी के तहत एक प्रकल्प पर, नेत्रदान, जो कि मेरा प्रमुख विषय भी है। नेत्रदान आज समय की जरूरत है, एक कदम है। आप और हम सब मिलकर अगर इस पर सोचें तो यह बहुत ही उपयोगी होगा उन लोगों के लिए जो आज दुनिया नहीं देख सकते हैं। पूरे भारतवर्ष में लगभग 18,70,000 लोग ऐसे हैं जो दुनिया नहीं देख सकते हैं या उनकी आंखों की रोशनी नहीं है। उसमें से लगभग 12 लाख लोग ऐसे हैं एक अनुमान के अनुसार जो दुनिया देख सकते हैं, जिनकी रोशनी आंखों की वापस लौट सकती है और उनके जीवन में खुशियां भर सकती है, बशर्ते कि आप और हम सब मिलकर प्रयत्न करें। ब्लाइंडनेस जो है दो तरह से होता है प्रमुख रूप से, जिसमें एक ब्लाइंडनेस जो होता है वो होता है कॉर्निया ब्लाइंडनेस और एक जो होता है ऑप्टिक ब्लाइंडनेस। ऑप्टिक ब्लाइंडनेस में रिकवरी के बहुत कम चांसेस होते हैं, लेकिन कॉर्निया ब्लाइंडनेस जो है वो रिकवर हो सकता है। और जिस किसी भी व्यक्ति की कॉर्निया ब्लाइंडनेस का मरीज है वह पुनः अपने जीवन में रोशनी ला सकता है। आज समाज में कई भ्रांतियां हैं, कई सामाजिक भ्रांतियों में पिछड़ने के कारण आज समाज में जागरूकता नहीं है और इस वजह से यही प्रमुख वजह है कि नेत्रदान बहुतायत नहीं होता है और कॉर्निया की उपलब्धता आज पूरे भारतवर्ष में कम है। इसकी वजह से हमें हमारे पड़ोसी देश श्रीलंका से कॉर्निया आयात करना पड़ता है। हम सबके लिए बड़े ही सोचनीय और विचारणीय बात यह है कि श्रीलंका जैसा छोटा देश में लगभग 60-80% लोग आई डोनेशन करते हैं और हमारा भारत जो कि इतना विशाल है और आज हमारे पास जागरूकता की कमी के कारण आई डोनेशन नहीं हो पाता है। आप और हम सबको मिलकर प्रयत्न करना है कि जब भी किसी के परिवार में किसी की मृत्यु हो और हमें इन्फॉर्म करना है, सूचना देना है, उन्हें समझाना है, उन्हें प्रेरित करना है नेत्रदान के हेतु जागरूकता लाकर। इसमें हम कई तरह से कार्य कर सकते हैं, सामाजिक, जहां पे भी सामाजिक कार्य होते हैं वहां पर हम अपने कैंप लगाकर या फिर हम किसी भी तरह से अपने परिवार में, अपने समाज में जागरूकता लाकर, प्लेस फॉर्म फिलअप करवा कर, होर्डिंग्स लगाकर, बैनर लगवाकर हम जागरूकता ला सकते हैं। और हम लोग कभी भी किसी के भी नेत्रदान हेतु किसी के भी बाधक न बने। हम हमेशा प्रयत्न ये करें कि कोई भी परिवार में किसी की भी डेथ हो तो उन्हें प्रोत्साहन दें। बहुत बार ऐसा होता है कि कई रूढ़िवादी लोग और
कई लोग जो ऐसे होते हैं जो जहां पर अगर कहीं किसी के परिवार में डेथ होती है और हम लोग जब चर्चा के लिए वहां जाते हैं तब लोग उन्हें सपोर्ट करने की बजाय उन्हें प्रोत्साहन नहीं देते हैं और उन्हें दूसरी भ्रांतियों में उलझा कर मना कर देते हैं। तो मैं सभी से आह्वान ये करना चाहूंगा विशेषकर कि कम से कम अगर अच्छा काम कोई हो रहा हो तो वहां पे कम से कम मना नहीं करें और कोशिश करें कि नेत्रदान हो। अभी तक हम सिकंदराबाद आंध्र तेलंगाना पूरे प्रांत में हमने 132 आई डोनेशन पिछले 2.5 वर्ष से हम लगातार इस पर कार्य कर रहे हैं और पिछले 2.5 वर्ष में हमने 132 लोगों की डेड बॉडीज से आई डोनेट करवाई जिससे हमको 264 कॉर्निया प्राप्त हुआ जिसमें से लगभग 180 लोगों को की जिंदगी में रोशनी भरने का काम मारवाड़ी युवा मंच आंध्र तेलंगाना पूरे प्रांत ने किया जिसमें से सिर्फ एक सिकंदराबाद शाखा ने अभी तक 204 कॉर्निया यानी कि 102 लोगों की डेड बॉडी से आई डोनेशन करवाया और 204 कॉर्निया प्राप्त कर उन लोगों की जिंदगी में रोशनी भरने का काम किया जिनकी जिंदगी में अंधेरा था। पूरे प्रांत की कई शाखाएं विशाखापट्टनम, हैदराबाद, ग्रेटर हैदराबाद, मंचीरियाल, सॉरी बेलमपल्ली और कोत्तु शमशाबाद शाखा आदि शाखाओं ने अब तक हमने जो प्रयास किया उस मोटिवेशन से उन्होंने प्रेरणा लेकर आज आई डोनेशन करवाना चालू किया और हम जब कोशिश करते हैं तो सफलता मिलती है। बहुत कम समय नहीं लगता, कोशिश करते हैं तो सफलताएं मिल जाती हैं। आज जो प्रमुख रूप से जो भ्रांतियां हैं उसमें प्रमुख प्रमुख रूप से जो भ्रांतियां हैं वो इस तरह हमको देखने और सुनने को मिलती है कि हम जब हमारी डेथ हो जाएगी तो हमारे हमारी आंखें जब अगर हम लोग डोनेट करेंगे तब तो हमें अपने अगले जन्म में आंखें नहीं मिलेगी। यह बात हमें कई बार सुनने को मिलती है। मैं आप सभी को विश्वास दिलाता हूं कि ऐसा कुछ होता नहीं है। कई ग्रंथों में कई जगह हमने मतलब किसी भी ग्रंथ में अगर हम पढ़ेंगे तो यही लिखा रहता है कि हमारी आत्मा जो है वो अमर है और शरीर देह को त्यागने के बाद आत्मा चली जाती है। तो जब आत्मा ही चली जाती है जब उसका शरीर से कोई रिश्ता ही नहीं है तो फिर शरीर के साथ यदि आपने कुछ किया तो उससे उसका क्या कनेक्शन रहेगा। ऐसा कोई कनेक्शन होता नहीं है। इसलिए हम सभी इस भ्रांति से बाहर निकले और हम आई डोनेशन पर फोकस करें और जो जो लोगों की दुनिया में अंधेरा है उस अंधेरे को दूर करने का प्रयास करें। और हमने एक महर्षि दधीचि के की स्टोरी को पढ़ा है सुना है। उसमें उन्होंने अपने अंगों का दान कर जो है असुरों का नाश करने के लिए अपने अंगों का दान कर दिया। तो अंगदान बहुत बड़ा दान है। नेत्रदान जो है ये वाकई किसी की एक ईश्वरीय कार्य है जो हम ईश्वर के बाद यदि किसी को मौका मिलता है तो वो हम हैं और हम यह काम कर सकते हैं। तो आप सभी से मेरा पुनः एक ही निवेदन रहेगा कि हम कभी भी बाधक न बने किसी भी जगह पर और हम प्रयत्न करें कि नेत्रदान हो। तो आइए हम सब संकल्प करें और प्रयत्न करें कि अंधजनों को रोशनी देकर राष्ट्र का नाम रोशन करेंगे और नेत्रदान जो है मरकर भी जिंदा रहने का एक अनमोल वरदान है। आइए हम सब एक प्रयास करें आज की समय की जरूरत की मांग पर। धन्यवाद।